जी, वेलकम टू द चैनल फिजिकल एजुकेशन विद जाहद। आज हम बात करेंगे स्पोर्ट्स मेडिसिन के बारे में। स्पोर्ट्स मेडिसिन के शॉर्ट क्वेश्चंस और एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। क्रैम्प्स कैन बी काज बाय इनएडिक्वेट कंजप्शन ऑफ। क्रैम्प्स क्यों होता है, किस कमी की वजह से होता है? तो फिर ये इसका आंसर है जी, डी ऑप्शन, फ्लूइड्स एंड इलेक्ट्रोलाइट्स, यानी पानी की कमी की वजह से, नमकियात की कमी की वजह से आपको क्रैम्प्स हो सकता है, मसल क्रैम्प्स। व्हाट इज द नेचुरल फिनोमिना इन ह्यूमन हेड मे आल्सो काज हीट क्रैम्प्स। तो हीट क्रैम्प्स का जो नेचुरल फिनोमिना क्या हैवी स्वीटिंग्स, आपको बहुत ज़्यादा पसीना आना, ये हीट क्रैम्प की सबसे बड़ी वजह है। हीट क्रैम्प्स अकर्स व्हेन द वाटर इज रिप्लेस विदाउट आल्सो रिप्लेसिंग। तो हीट क्रैम्प्स कब होता है? जब आपको साल्ट और पोटाशियम वगैरह की, मैग्नीशियम, कैल्शियम यानी आयरन डेफिशिएंसी आपको हो जाए, साल्ट डेफिशिएंसी हो जाए। तो टू प्रिवेंट हीट क्रैम्प्स व्हाट शुड बी द ट्रीटमेंट? हीट क्रैम्प से बचने के लिए क्या ट्रीटमेंट लेनी चाहिए? वन मे ड्रिंक इलेक्ट्रोलाइट्स सोल्यूशंस सच एट स्पोर्ट्स ड्रिंक्स ड्यूरिंग एक्सरसाइज आर स्ट्रेनियस वर्क आर ईट पोटाशियम रिच फूड्स। तो एक तो आपको जो रिच फूड्स हैं पोटाशियम से, वो लेने चाहिए, जिसमें बनाना है, एप्पल वगैरह है, और उसके साथ साथ आपको इलेक्ट्रोलाइट्स स्पोर्ट्स ड्रिंक का ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए जब आप इंतहाई शिद्दत वाली एक्सरसाइज कर रहे हैं। विच फ्रूट इज रिच विद पोटाशियम? इनमें से कौन सा फ्रूट जो है वो पोटाशियम से भरपूर है? तो बनाना है और एप्पल है, केला और सेब। द ट्रीटमेंट ऑफ हीट क्रैम्प इज, हीट क्रैम्प की ट्रीटमेंट क्या है? टू अवॉइड स्ट्रेनियस वर्कआउट, आप जो है वर्कआउट से अवॉइड करें, रेस्ट करें, पोटाशियम से भरपूर गज़ा खाएं, इलेक्ट्रोलाइट्स का इस्तेमाल करें। तो ये तमाम के तमाम ऑप्शंस, ऑल ऑफ दीज आर करेक्ट ऑप्शंस। हीट फटीग इज अ सेवर फ्रॉम द हीट इलनेस एंड मेडिकल इमरजेंसी। हीट फटीग जो है वो बहुत ही तगड़ी इमरजेंसी है। उसके बाद है जी, हम्डिटी एंड सफोकेशन, लॉस ऑफ वाटर। क्वेश्चन नंबर 231, सिम्टम्स ऑफ हीट फटीक आर, हीट फटीक के क्या असरात हैं? ये डिजीनेस है, वीकनेस है, नासा यानी आपको कमजोरी, सर चकराना, ठीक है, दिल घबराना, हेडेक है, सर दर्द करना, टेम्परेचर हो जाना, बहुत ज़्यादा पसीने आना, ठीक है, और पेशाब का कम अखराज होना, ये तमाम के तमाम जो अलामत है ये हीट फटीक की हैं। तो ऑल ऑफ दीज आर करेक्ट। द फर्स्ट एड फॉर हीट फटीक इन्वॉल्व द अफेक्टेड पर्सन। जिसको हीट फटीक है उसके लिए फर्स्ट एड क्या है? उसके लिए फर्स्ट एड है अ कूल एनवायरनमेंट एंड एडमिनिस्ट्रिंग कूल लिक्विड्स। तो उसको ठंडी जगह पे रखा जाए और ठंडे मशरूबात जो हैं उनका इस्तेमाल किया जाए। अदर नेम ऑफ हीट स्ट्रोक इज सन स्ट्रोक। तो हीट स्ट्रोक जो है वो सूरज की शिद्दत की वजह से, धूप में शिद्दत की धूप में काम करने की वजह से होता है। हीट स्ट्रोक इज अ सेवर हीट इलनेस विद द बॉडी टेम्परेचर इज ग्रेटर देन। तो हीट स्ट्रोक कब होता है? जब आपकी बॉडी का टेम्परेचर 105.1 फारेनहाइट से तजावज़ करता है। और जनरली जो आपका सही टेम्परेचर है तंदुरुस्त किसी इंसान का, वो 98.6 फारेनहाइट है। हीट स्ट्रोक अकर्स ड्यू टू द एनवायरमेंटल हीट एक्सपोजर विद द लैक ऑफ थर्मोरेगुलेशन। हीट स्ट्रोक क्यों होता है? आप जब आपका बॉडी का रेगुलेटरी सिस्टम जो है वो बॉडी के अंदर से हीट को के अखराज को नहीं कर पाता। थर्मोरेगुलेटरी सिस्टम ऐसे ही है जैसे थर्मास है कि इसके अंदर आप ठंडी चीज़ डालेंगे तो वो ठंडा रहेगा और अगर गर्म चीज़ डालेंगे तो वो गर्म रहेगी। इसी तरह हमारा बॉडी का जो टेम्परेचर है ये मेंटेन रहना चाहिए, अगर बाहर का मौसम गर्म या ठंडा हो भी जाता है तो। ऐसी सूरत में
टेम्परेचर मेंटेन रहना चाहिए। तो ये कैसे मेंटेन रहता है आपको जिस्म के हीट का खराज या जैसे पेशाब का आना, उसके अलावा पसीने वगैरह का आना, तो इससे आपकी हीट जो है बॉडी से बाहर निकलती है, जिसकी वजह से आपका बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहता है। लेकिन जब हीट स्ट्रोक बहुत ज़्यादा गर्मी की शिद्दत हो जाए, तो फिर ये थर्मोरेगुलेटरी सिस्टम यानी यह टेम्परेचर जो है 1.105 यानी 105.1 फ़ारेनहाइट पर पहुंच जाए, तो फिर ये थर्मोरेगुलेटरी सिस्टम वर्क नहीं कर पाता, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ जाता है, और इससे आगे जो फिर है अगर लगातार ये टेम्परेचर रहे तो इससे डेथ भी हो सकती है, ये बहुत खतरनाक होता है। हाइपरथर्मिया इज कंडीशन विद द बॉडी टेम्परेचर इज ग्रेटर देन हाइपर। अब थ्रीमिया जो है जब टेम्परेचर बढ़ जाएगा, और हाइपोथ्रीमिया जब टेम्परेचर कम हो जाएगा, तो 105.1 फ़ारेनहाइट। द टर्म स्ट्रोक इन द हीट स्ट्रोक के अंदर स्ट्रोक का मानी क्या है, तो क्या है मिस नॉमर। इट मे ऑल्सो अकर्स फ्रॉम एनी कंडीशन व्हेन, ये कब हो सकता है ठीक है, और यानी जब डिक्रीज इन हार्ट हीट प्रोडक्शन या इंक्रीज इन हीट लॉस, दोनों सूरतों में हो सकता है। द ट्रीटमेंट ऑफ माइल्ड हाइपोथ्रीमिया इन्वॉल्व्स, थोड़ा सा जो हाइपोथ्रीमिया होता है वो क्यों कब होता है, जब आप गर्म कपड़े पहने, जब आप गर्म जो मशरूबात का इस्तेमाल करें या ज़्यादा एक्टिव रहें। फर्स्ट बाइट इज द मेडिकल कंडीशन इन विच लोकलाइज डैमेज इज कॉज टू स्किन एंड अदर टिश्यूज ड्यू टू फ्रीज। तो फर्स्ट बाइट, पहले हमने हीट स्ट्रोक और हीट एग्जॉशन जो पढ़ा था, ये गर्मी की बीमारियां थी, और फर्स्ट फर्स्ट बाइट जो है और हाइपरथर्मिया जो है हाइपोथर्मिया, ये टेम्परेचर कम होने की वजह से है। तो यहाँ पे कब होता है फर्स्ट बाइट, जब मुतलका स्किन के जो टिश्यूज़ हैं वो फ्रीज हो जाएं या वो डैमेज हो जाएं, वो काम करने काबिल ना जाएं, उनमें खून जम जाए। तो फर्स्ट बाइट इज मोस्टली लाइक टू हैपन इन द बॉडी पार्ट्स फर्दर फ्रॉम द, तो यानी जो दिल और बॉडी के दूर हिस्से होते हैं, इसकी दूर होने की वजह यह है कि वहाँ खून की सर्कुलेशन कम होती है, तो ये सबसे पहले हाथ और पाँव ये मुतासर होते हैं। फर्स्ट बाइट कर्ज वैन द टेम्परेचर एट लोएस्ट लेवल 0 डिग्री या 32 फ़ारेनहाइट, ये कब होता है जब टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाए या फिर 32 फ़ारेनहाइट हो जाए, तो ऐसे तब होता है। और जब अगर ज़्यादा देर तक आप ऐसे टेम्परेचर में रहें और आपने मोटे कपड़े ना पहने हो, ग्लव्स ना पहने हो, यानी प्रॉपर अगर आपने इस लिबास पहना हुआ तो फिर इशू नहीं है, लेकिन अगर लिबास भी प्रॉपर नहीं और आपको किसी इंसिडेंट की वजह से, किसी वजह से सख्त सर्दी के अंदर जहाँ माइनस या 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर हो, तो वहाँ रहने से फिर आप फ्रस्ट बाइट का शिकार हो सकते हैं। फर्स्ट बाइट इज कॉज ड्यू टू लैक ऑफ ब्लड फ्लो इन सम एरिया ऑफ द बॉडी, बॉडी के अंदर किसी जगह के ऊपर फ्लो कम हो जाए, डेंजरसली लो लेवल दैट लीड टू एवेंचुअली फ्रीजिंग एंड डेथ स्किन ऑफ टिश्यूज अफेक्टेड एरियाज, इतना मतलब कम हो जाए कि वहाँ के जो टिश्यूज़ हैं वो फ्रीज होने की वजह से उनकी टिश्यूज़ की डेथ हो जाए, तो फिर बंदे को फ्रस्ट बाइट हो जाता है। हाइपोथर्मिया डिफाइंड एज अ बॉडी कोर टेम्परेचर इज 35 सेंटीग्रेड या 95 फ़ारेनहाइट, तो हाइपोथर्मिया कब होता है जब 35 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाए। वैसे सेहतमंद इंसान का 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, और फ़ारेनहाइट में 98.6 फ़ारेनहाइट। इन सेवर हाइपोथर्मिया देयर मे बी अंडरस्टैंडिंग वेयर अ पर्सन रिमूव देयर क्लॉथिंग्स। हाइपोथर्मिया हैज टू मेन टाइप्स ऑफ कॉजेस। इट क्लासिकली अकर्स फ्रॉम द एक्सट्रीम एक्सपोजर टू कोल्ड, तो हाइपोथर्मिया और फ्रस्ट बाइट जो है ये सर्दी की बीमारी कह सकते हैं आप। एटीट्यूड सिकनेस इज ऑल्सो नोन एज एक्यूट माउंटेन सिकनेस, आर्टिट्यूड इलनेस, हाइपरोप्रोबैथी, ये तमाम ऑप्शन ठीक हैं। द आर्टिट्यूड सिकनेस इज अफेक्ट ऑफ हाई एटीट्यूड ऑन ह्यूमंस ए पैथोलॉजिकल। आर्टिट्यूड सिकनेस इज कास्ट, आर्टिट्यूड सिकनेस क्यों होती है
अक्यूट एक्सपोजर टू लो पार्शल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एट हाई लेवल। तो यानी जब आप जितना बुलंदी के ऊपर जाते हैं वहाँ ऑक्सीजन का जो प्रेशर है वो कम होता है, तो जो खिलाड़ी नीचे से ऊपर जाते हैं 8,000 मीटर की बुलंदी तक, तो उनकी परफॉर्मेंस कम हो जाती है क्योंकि वह उन्हें उन्हें आल्टीट्यूड सिकनेस का सामना होता है, और ऑक्सीजन कम मिकदार में मिलती है। क्योंकि ऑक्सीजन कम मिलेगी तो फिर एनर्जी भी कम प्रोड्यूस होगी, और अगर एनर्जी कम प्रोड्यूस होगी तो उस खिलाड़ी की परफॉर्मेंस भी कम हो जाएगी। आल्टीट्यूड सिकनेस कॉमनली अकर्स, ये होता कब है, किस बुलंदी पे, जब सतह समंदर से 8,000 की बुलंदी के ऊपर आप चले जाएंगे, तो फिर ये हाई एटीट्यूड जो है वो आप पे इफेक्ट करेगा। डोपिंग रेफर्स टू, डोपिंग क्या है, बैंड एथलेटिक परफॉर्मेंस इनहेंसिंग ड्रग्स बाय एथलेटिक कंपटीशन। तो जो ऐसी ड्रग्स जिसको इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने या वाडा ने बैन किया है उनका इस्तेमाल करना। विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज वाटर सोल्यूबल, इनमें से वाटर सोल्यूबल कौन सा है, विटामिन सी जिसको एस्कॉर्बिक एसिड भी कहते हैं, और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, B1, B2, B3, B5, B6, B9, B12, इसी वजह से इसको बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। और दूसरे जो हैं वो फैट सोल्यूबल हैं, जैसे विटामिन ए है, विटामिन डी है, D3 एंड D4, विटामिन के, और ये टोटल 13 विटामिन्स हैं। वाडा वाज सेट अप ऑन, वाडा जो है वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी जो है वो कब बनी, नवंबर 10, 1999 को इसका क्या अमल में आया। वाडा सेटअप इन द सिटी ऑफ, ये शुरू में तो लेसने जो स्विट्जरलैंड का शहर है जहाँ IOC का भी दफ्तर है वहाँ बनी थी, लेकिन बाद में फिर ये द हेडक्वार्टर ऑफ वाडा सिंस 2002 सिचुएटेड इन, 2002 के बाद जो है ये मॉन्ट्रियल जो कि कनाडा का शहर है वो वहाँ पर शिफ्ट हो गया। द डॉक्यूमेंट्स एमिंग टू हारमोनाइज एंटी डोपिंग रेगुलेशन ऑल स्पोर्ट्स एंड कंट्रीज इज, तो इसको क्या कहते हैं जी, वर्ल्ड एंटी डोपिंग कोड कहते हैं। जैसे कोड आप कह सकते हैं ना, कोड से मुराद रूल्स एंड रेगुलेशन है। द कोड एम्बोडाइज एन एनुअल लिस्ट ऑफ प्रोहिबिटेड सब्सटेंस दैट मेथड ट्रांस स्पोर्ट्स पर्सन आर नॉट अलाउड टू टेक पार्ट। तो कोड से मुराद ये कि एनुअली एक लिस्ट शेयर की जाती है जिसके अंदर उन सब तमाम सब्सटेंस के नाम होते हैं जो प्रोहिबिटेड हैं, ये ममनू है, और उन तमाम तरीकाकार के भी नाम होते हैं जो खिलाड़ी आमतौर पर इस्तेमाल करते हैं और जो अलाउ नहीं है। इन 2004 द वर्ल्ड एंटी डोपिंग कोड इम्प्लीमेंटेशन बाई स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशंस प्रेयर टू ओलंपिक गेम्स इन एथीन्स 2004 की जो एथीन्स गेम के अंदर हुई थी, इसमें फर्स्ट कोड, और उसके बाद 2015 में शायद इसका दूसरा कोड आया था। द रिवाइज कोड वाज यूनानिमसली टॉप्ड थर्ड वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस डोपिंग स्पोर्ट्स इन द ईयर ऑफ 2007। इन 2013 द फर्दर अमेंडमेंट कोड वार अप्रूव्ड, द अपडेट कोड वाज शेड्यूल्ड टू टेक अफेक्ट, ये कब से नाफिजुल अमल था, ये जनवरी 1, 2015 से। द वर्ल्ड बॉडी कंट्रोलिंग डोपिंग वाडा, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, कंट्रास्ट बेथ है यूज फॉर रिड्यूस स्वेलिंग, स्वेलिंग को कम करने के लिए हम कंट्रास्ट बेथ का इस्तेमाल करते हैं। कॉमन इंजरीज इन बास्केटबॉल, तो ये तमाम की तमाम है, डैमेज मेडिकल लिगमेंट है, मेडियल मिसनीसेस है, डैमेज लिटरल लिटरल और मेडियल, ये समझना ज़रूरी है कि आपके किसी भी ऑर्गन का जो मिडिल पॉइंट है उसके करीब वाला हिस्सा जो है वो मेडियल है, और जो उससे दूर वाला हिस्सा जो है वो लेटरल है। यानी अगर खूनी के हम असल की बात करें तो ये अंदर वाले जो हैं ये मेडियल हैं, और ये बाहर की साइड वाले जो हैं ये लेटरल हैं। मैकेनिकल सोर्स ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ स्पोर्ट्स इंजरीज, इंफ्रारेड रेस, कॉज ऑफ नासा एंड वोमिटिंग ड्यूरिंग फिजिकल एक्सरसाइज, एकेमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड, जब आप यूज टू नहीं हैं, आप लैक्टिक एसिड को कैमुलेट नहीं कर पाते तो फिर आपको वोमिटिंग, उल्टी आना शुरू हो जाती हैं। तो ये थे आज के हमारे सवालात और उनके जवाबात। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स ज़रूर करें।